अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सभी खैरियत होंगे। मैं चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त अजरवानी। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7:30 और रात को ही प्रोग्राम बना था ऊपर जाने का। सबसे पहले आप वो चीज देखो कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। ये जो बस्ती है यहाँ पे, इस बस्ती के आगे तक रोड जाती है और उसके बाद हमें पैदल ही जाना है। हम तीन लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मैं मुजफ्फर से। तो अभी तक आप नहीं मिले हैं, इस वक्त मैं मुजफ्फर के घर में हूँ। कल रात को आया था मैं, अभी तक आप मुजफ्फर से नहीं मिले हैं। मुजफ्फर से भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा और एक और फ्रेंड जा रहा है जिसका नाम आमिर है, उससे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं। और अभी आधे घंटे में हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इतना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जहाँ मार्केट ऊपर वाली है वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी कि क्या कुछ सामान लेना है और जो भी होगा वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुजफ्फर अभी तैयारी कर रहा है, नए नए जूते पहन रहे हो, ये अभी तैयार हो रहा है। मैं तो रेडी हूँ, कब को इसने अपने जूते दिए हैं, खेलने लगा कि नए जूते आपके खराब हो जाएंगे। मेरे प्यारे से जूते वहाँ पे हैं और ये है मुजफ्फर जो कि अभी तैयारी कर रहा है। मुजफ्फर अभी अंदर गए हैं, कुछ सामान वो भूल गए थे, अभी वो कुछ सामान लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और ऊपर वाली मार्केट तक हम मुजफ्फर की बिल्लोरानी पे जा रहे हैं और उसके बाद हमने पैदल ही जाना है नीचे। कह रहे हैं कि वहाँ से आधा घंटा लगेगा। जो कुछ भी होगा आप लोगों को तो पता चलेगा ही कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ये है मुजफ्फर का घर, यहाँ पे हम रात को रुके थे, अभी हम जा रहे हैं मुजफ्फर के साथ। देखो ये नीचे पहुंच गया है और हम रेडी सेडी सब कुछ हो चुके हैं। अभी हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाने के बाद हम अपना सफर शुरू करेंगे अपनी बिल्लोरानी पे। यहाँ हम आ चुके हैं शॉप पे और यहाँ से हमने कुछ सामान खरीदा है। और ये मुजफ्फर और आमिर अभी अंदर है, कुछ कर रहे हैं, अभी तेल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिना तेल के हम खाना नहीं खा सकते। लास्ट टाइम हमने बिना तेल की मैगी खाई थी, लेकिन चिकन हम बिना तिल के नहीं खा सकते हैं। 15-10 मिनट के बाद हम यहाँ से अपने टारगेट पे निकलेंगे। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से आगे कोई गाड़ी कोई बाइक नहीं जाती है। अब हमें यहाँ से नीचे पैदल ही जाना पड़ेगा दरिया पे, तकरीबन आधे से एक घंटा लगेगा मेरे हिसाब से, जितना इन लोगों ने मुझे बताया। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कितना टाइम लगेगा और जितना भी लगेगा आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। वो देखो वो कहाँ पे पहुँच गए हैं और मैं अभी भी यहीं पे हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ और इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता चल रहा हूँ यार। सो गाइस पिछले आधे घंटे से हम चल रहे हैं और आधे घंटे के चलने के बाद वो लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं और मैं थक गया हूँ काफ़ी, इसलिए मैं उनसे पीछे रह गया हूँ। तो कोशिश सिर्फ इतनी है कि उन तक मैं पहुँचूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन ले सकूँ कि अभी कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में जहाँ पर हमने जाना है। और अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ यार, पसीना ही पसीना आ रहा है, धूप भी आ गई थी। सुबह तो उतना मौसम अच्छा नहीं था जितना कि इस वक्त धूप की गर्मी आ रही है यार। फाइनली हम दरिया के पास पहुंच चुके हैं, ये मेरे दोनों मित्र जो कि दरिया के पास पहुंच गए। अब थोड़े इस छोटे से पुल के जरिए इस पार से उस पार जाएंगे। वो जो वहाँ पे देख रहे हो मेरे ख्याल से वो ईदगाह है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ईदगाह मतलब वो जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। और वहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ का। और ये सब के सब वहाँ पहुँच गए हैं, अब मेरा इंतजार हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। अभी स्टार्टिंग के कुछ 15 मिनट हो गए हमें यहाँ पे, ये लोग थक गए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और वीडियोस देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि खाने का जो भी प्रोग्राम हमने रखा है वो हम यहीं पे करेंगे। अभी 5-10 मिनट के बाद हम जाएंगे लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे ताकि आग जला लें, उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद हमने सोचा है कि अगर धूप अच्छी आती है तो उसके बाद ही हम नहाएंगे, वरना नहाने का कुछ प्रोग्राम अभी तक कुछ भी नहीं है।
हमारे आमिर साहब, ये मुजफ्फर साहब आग जलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम खाने बनाने का, देखो हाथ कितने गंदे हो गए यार। सबसे पहले हम चावल बनाएंगे, और चावल बनाने के लिए हमने पतीला इस छोटे से चूल्हे पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि आग काफ़ी मुश्किलों से जल पड़ी है और हम इसको बुझाना नहीं चाहते, इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे काम करेंगे। तो अभी ये इन लोगों को मैं काम दूंगा, ये दोनों अब प्याज व्याज काटेंगे, प्याज टमाटर जो कुछ भी है ये सब कुछ वो काट लेंगे। चावल हमारे बनके रेडी हैं, पहले हम बॉईल करेंगे पानी में चिकन को, जिसमें हल्दी और नमक हमने डाला है, और उसके बाद ही हम चिकन को फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद तरी ग्रेवी जो भी होगा उसके बाद हम आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे। आपने जैसा देखा था चावल तैयार हो चुके थे हमारे, अभी 2-3 मिनट में हमारे चिकन भी हमारा तैयार होने वाला है, उसके बाद हम दबा के चिकन को खाएंगे, चावल को खाएंगे, क्योंकि काफ़ी हम थक गए हैं और ये लोग भी काफ़ी थक गए हैं, और उसके बाद हमने प्रोग्राम डिसाइड कर लिया क्योंकि धूप भी अच्छी खासी आई है। अब हमने फैसला किया है कि हम नहाएंगे भी। हमने खाना तैयार कर लिया है, अब वक्त आ चुका है कि हम इस खाने को खाएंगे। So guys, अभी हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो खाना भी हो गया, बर्तन भी धो लिए हमने, सब कुछ हो चुका है, बड़ा एंजॉय किया हमने यहाँ पे, और अब हम इसके बाद वहाँ ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम नहाएंगे, और कोशिश यही है कि मज़े पूरे अच्छी तरीके से हम करें और आप लोगों को भी मज़ा आए ये देखने में। हम लोगों का नाना शाना सब कुछ हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगा तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।